ये अभी सतना के जो गाड़ी एजेंसी है हुंडई के, उन्होंने एक शिकायत की थी कि कुछ गाड़ियां उनके चार फोर व्हीलर जो है उनकी आपसे चोरी हो गई है और उनके कागजात और कुछ उनके लेटर पैड वगैरह भी कंपनी से गायब हुआ है करके उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। तो सिविल लाइन थाने ने एफआईआर दर्ज करके उसको विवेचना में ली और कुछ फ़ोन नंबर कुछ संदेहियों के नाम थे उसके आधार पे, एक एम्प्लॉय भी गायब थे वहाँ से जो दो महीने से वहाँ पे काम कर रहे थे, उसमें पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। तो पहले पता चल गया है कि जो आईडी कार्ड और एड्रेस वगैरह उनने दिए थे वो फर्जी थे, वहाँ पे वो ऐसा कोई परिवार या व्यक्ति रहना नहीं पाया गया। उसके बाद हमारे साइबर की इनपुट की मदद से हमने आरोपी जो दीपक शर्मा है उनको पुलिस ने पकड़ा, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया कि इन्होंने कंपनी का लेटर पैड वगैरह का दुरुपयोग करते हुए चारों गाड़ी है चार अन्य लोगों को इन्होंने बेच दिया है 10.5 लाख में। तो अभी पुलिस ने वो दस चारों गाड़ियां जो है, एक भोपाल अयोध्या नगर थाना क्षेत्र से, एक यहाँ पे हमारे सतना रामनगर थाना क्षेत्र से, दो शहर के अंदर से ही चार जगह से हमने रिकवर कर लिया है जो गाड़ी चोरी गया है, उसकी कागजात भी पूरे गाड़ियों का मिल गया है, जो लिखा पढ़ी इन्होंने किया था फर्जी जो ग्राहकों के साथ में वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और उनसे जो 10.5 लाख करीब रुपए जो ग्राहक चार ग्राहक से इनने लिया है उसके बारे में भी अभी वो बता रहे हैं कि अब हम पीआर में लेके उसके भी रिकवरी की हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो अच्छी सफलता है कि फिर से किसी ने ठगी करने की और दो लोगों के साथ ठगी हुआ है, जो एक जो है जो कंपनी वाले हैं उनके साथ में और दूसरा जो ग्राहक जिसने ख़रीदा है, दोनों के साथ इनने फर्जीवाड़ा किया है, चोरी किया है गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स का। तो उन धाराओं पर इनको गिरफ्तार कर लिया और आगे हम पता कर लेंगे, इसमें और कोई तो इन्वॉल्व नहीं। इनका रीवा ज़िले में भी ऐसे ही कुछ घटनाओं को अंजाम देना बता रहा है, तो उसका भी हम आगे तहकीक करेंगे। आरोपी जो है भोपाल अयोध्या नगर के रहने वाले हैं मूलतः, इनकी आईडियो में नहीं आ रहा था ओरिजिनल, इसलिए एक गाड़ी उन्होंने वहाँ पर भी बेचा है, अयोध्या नगर थाना क्षेत्र भोपाल के रहने वाले हैं। बरामद